आज जो चौधरी युद्धवीर सिंह हैं, जो अपने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वे अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनको आज 26 तारीख में वहाँ से प्रेस के बीच में से पुलिस लेके गई। तो ये गुजरात मॉडल है जो हम बताना चाहते थे कि गुजरात में क्या होगा। गुजरात के लोग पूर्ण रूप से बंधन में हैं, गुजरात पूरा आज़ाद नहीं हुआ। गुजरात तो पूरा कैप्चर में है, ये तो पूरे देश में कहीं पर नहीं है ये हालात जो आज गुजरात में है। पहली पूर्ण कॉन्फ्रेंस संयुक्त मोर्चे की हुई और प्रेस होते हुए मीडिया के सामने उनको बीच में से उठा के ले जाया गया, ये गिरफ्तारी हुई है। पूर्ण रूप से हम इसकी निंदा करते हैं और अगर उनको रात तक रिहा नहीं करा गया, और हम 4 और 5 तारीख में हमारी फेयर मीटिंग वहाँ पे है, गुजरात में मीटिंगें करेंगे, गुजरात को आज़ाद करवाएंगे, गुजरात का जो इशू है उन इशू को लेकर आगे चलेंगे, जो वहाँ के जो मामले हैं उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। गुजरात में भी किसानों को MSP चाहिए, गुजरात के किसानों को भी देश के किसानों के संगठन के साथ में जोड़ेंगे। गुजरात भी इसी देश का एक हिस्सा है और जो बार बार हम कहते हैं कि गुजरात में हम जाएंगे तो पूरा इतना सक्रिय होगा कि गुजरात में कोई बाहर का आदमी नहीं जा सकता, ये हालात देश में पैदा नहीं होंगी। गुजरात में जाएंगे, वहाँ के किसानों से बातचीत करेंगे, वहाँ के जो मसले होंगे उन मसलों को उठाएंगे और आगे की जो एक रणनीति है हमारी वो हम बढ़ाएंगे। युद्धवीर सिंह को रिहा करें ये हमारे डिमांड है और नहीं तो कल के बाद में इसकी हम संयुक्त मोर्चा इसकी रूपरेखा बनाएगा कि इसके उसमें किस तरह के आंदोलन हो सकेंगे वे होंगे। आज का भी जो हमारा आंदोलन है पूर्ण रूप से सक्सेसफुल आंदोलन हमारा चल रहा है, बंद हमारा चल रहा है और जिस हिसाब से वहाँ पे उनको ले जाया गया है उसका पूर्ण रूप से हम गौर निंदा करते हैं। राकेश टिकैत, देहरादून, उत्तराखंड।